एक और नए दिन की शुरुआत और आज है संडे। रोज की तरह वही सुबह सुबह मैं उठ गया था कुछ 11 बजे। तो सुबह ओ भाई दोपहर के भी 1 बजने वाले हैं और मैं सारा काम करके फ्री हो चुका हूँ। मैं काम करके वैसे 11 बजे फ्री हो गया था, 11-12 बजे। देखो भाई क्या मस्त सफाई कर गया मैंने। तो हाँ, काम सारा हो गया घर का। अब ऐसे मेरे को 3-4 दिन सफाई रखनी है ताकि मेरे को सफाई ना करनी पड़े बार बार। ये कमरा भी साफ ही है वैसे, बस यहाँ पे ये जो सोफे कवर है ना ये धोने के लिए डाले हुए हैं, फिर वो जब धुल जाएंगे तो उसके बाद वो भी लगा दूंगा मैं। फिर 3-4 दिन मेरे को घर में ऐसी सफाई रखनी है, साथ साथ मैं सारा काम करता रहूंगा ताकि मेरे को सारा काम ना करना पड़े। नहीं तो यार सुबह उठ के इतना सर दुखता है ना ऐसा गंदा घर देख के, फिर मन नहीं करता सुबह सुबह काम करने का। तो मैं सोचा इस बार ना मैं साथ साथ ही सफाई रखूंगा घर में ताकि मेरे को ज्यादा सफाई ना करना पड़े। हाँ तो बस, और अब मेरे को लग रही है भूख। सुबह तो लग नहीं रही थी, सुबह मैंने चाय नमकीन बिस्किट ये खा पी लिया था। और तो अभी पापा ना बनाएंगे नमकीन चावल बनाएंगे, पापा कुछ मान लेने गए हुए हैं, ठीक है, तो फिर वही खा लेंगे आज। बाकी आज भी कुछ है नहीं खास करने को, आज ही मैं घर पे ही हूँ यार। लेकिन थोड़ा टाइम में शायद मेरा एक प्लान बन रहा है जाने का, आपको मैंने बताया था शायद से, है ना, शायद से क्या बताया ही था। तो थोड़े दिन में क्या बता मैं निकल जाऊँ वहाँ पे थोड़े दिन या अगले हफ्ते मतलब, तो देखते हैं क्या होगा। भेजो ने खाना नहीं खाना आज इधर आके पेडिग्री, इसको पेडिग्री दे देता हूँ मैं। कहाँ रखी थी पेडिग्री, कहाँ गई इसकी पेडिग्री, यही तो रखी थी मैंने कमरे में, तो नहीं ये पड़ी है। डेजी तो खाना खाती नहीं, ऐसे ही पेडिग्री डालनी पड़ती, यही डाल देता हूँ इसे अभी। ये ले आ इधर आ, अरे सेट सेट इधर की बैठी, इधर आ डेजी, इधर आ। पता नहीं क्या है मजा आता इसको वहाँ बैठने में। हाँ यहाँ बैठ जा, इधर बैठो, इधर सेट वेरी गुड। अब इसको परोंठा भी देके देखा था, परोंठा पास मत कर, पेडिग्री डाल जल्दी, वेरी गुड थे तो वो मैंने डाल दिए थे इसे, वो खा लिया था इसने, जल्दी डाल, खाया नहीं, खा ले। इसको ना ऐसे रखना पड़ता है बेड पे, इसको अगर इसके डब्बे में डालो ना तो खाती नहीं आई है। अच्छा तो ये फिर खुद खा लेगी, चल गया ना। ये बकवास ही पेडिग्री कौन खाए, इसे छुपा भी दूंगी इसी तरह से, ये नीचे गिरा देती हूँ बेड से, लगता है दिखेगा नहीं उसे फिर शायद से, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। जा नीचे जा। अबे क्या है, तो गिर भी नहीं रही है, क्या करूँ इसका मैं, घटिया सी पेडिग्री डाल के चल गया मेरे को बेड पे। ओ आ गया क्या, मैंने कुछ नहीं करा, क्या कर रही है, बैठ गई सॉरी, मारी मत खाई से, खाई से। देखो ये भी नहीं खा रही अभी, पता नहीं क्या करती रहती है, नाक से ऐसे हटा रही थी उसे, छुपाने की कोशिश कर रही थी कि ये दिखे ना पेडिग्री मेरे को। पागल सम पागल समझ रखा है, मेरे को दिखेगा नहीं ये पेडिग्री मैंने डाली तेरे को, लेट गया शरीफ बन के। तेरे हाथ कहाँ गए, हाथ दूसरा हाथ कहाँ पे है ये ऐसे ले रहे, प्लेन को बिठाया हुआ बेड पे। इधर तेरे नाखून काटू मैं, इतने बड़े हो गए नाखून, इधर आओ नाखून, नाखून कटवाने इधर आओ, बैठ जाओ, हिलना नहीं यहाँ से, दिखाओ नाखून, नाखून दिखाओ, नाखून नाखून दिखाओ, नाखून दिखा, ये दिखाओ नाखून, देख गुस्सा गुस्सा लेकर आना पड़ेगा ना, अरे बाहर से कटवा देंगे, वो नहीं काटता जिसे वो इसकी प्राइवेट। हाँ इसको फिर से बेहोश करना पड़ेगा नाखून काटने के लिए भी, नहीं तो ये उसी को काट लेगी। इसके नाखून, नाखून हो गए बड़े, इसके नाखून पता कितने, देखो मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट देखो, इतने बड़े बड़े नाखून है ये, इसने तो किसी के पंजा मार दिया ना, वो तो वही मर जाएगा। इसके दांत देखने, दांत इसको जब गुस्सा करना होता तो ये ऐसा मुंह बनाती है, देखो ऐसे कितनी प्यारी सी लगती है, देखो आई कितनी क्यूट है ना, और देना कैसे बैठी है राजाओं की तरह पिल्लो में, समझदार है, इसको पता है पापा काम कर रहे हैं तो वहां नहीं आएगी ये, वो कह रही आप काम कर दो पहले, मैं उसके बाद आऊंगी। देखो क्या हो गया, मेरे तो खुद हाथ काले, मेरे तो चलो काले हो गए ना थोड़े बहुत, देखो लेकिन पापा के देखना कितना फर्क पता लग रहा है। अब हाफ से इसकी टी शर्ट ना पहना करो बाइक पे, कभी है ना वो कह वो सूंघ रहे हो, देख रही क्या हुआ है। एक तो ये बिल्लो को मैं लगा रहा हूँ धनों के साथ, फिर जब धनों को निकालना होता है तो बिल्लो को खोलना पड़ता है, ये बिल्लो को लगाने की जगह नहीं मिलती कहीं पे यार, ऊपर चढ़ाने का मन नहीं है मेरा, अगर इसको ऊपर चढ़ा दे तो गंद पड़ जाता है ऊपर भी, बाइक की हालत भी हो रखी है भाई बुरी। अच्छा अभी देखो भाई पेट्रोल कितना है इसमें, देख रहे हो पूरी टैंकी खाली है, लेकिन तब भी मैं इसे चलाते रहता हूँ तो पेट्रोल इसमें है नहीं है, मैं जा रहा था पेट्रोल डलवाने इसमें। तो
लास्ट टाइम ने पेट्रोल हमने इसमें तभी डलवाया था जब हम वहाँ पे गए थे, ये मोक्षा गए थे तब डलवाया था लास्ट टाइम पेट्रोल। उसके बाद आज आगे डलवा रहा हूँ। और जब ना ये बाइक पे स्टंटिंग वगैरह करते हैं ना, ये जो ड्रिफ्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं ना, फिर बाइक ना पेट्रोल ज्यादा पीती है। अब तो बाइक पे ना पहले से ऐसा हाथ बैठ गया ना, मतलब जब मैं पहले पहले चलाता था ना ऐसे, मेरे को ये बाइक ना भारी भरकम लगती थी, मेरे से चलती भी नहीं थी, मैं ना ऐसे हाथ भी नहीं छोड़ पाता था इसमें, मेरे को लगता था कि गिर जाएगी ये वो, ऐसे भारी सी लगती थी इतनी। लेकिन अब तो भाई हाथ ही बैठ गया पूरा, अब तो जैसे मर्जी चलाओ इसे, मेरे को तो ये भी अब एक्टिवा सी लगती है। ये बस सारा दिमाग का खेल होता है। पहले पता है मैं ना सबसे पहले जैसे मैंने एक्टिवा चलाई थी ना अपनी वाली, मैं जब मैंने पहली बार चलाई ना, मैं पहले दिन ही गिर गया उसमें से, वो भी खड़े खड़े गिर गया मैं, मेरे को वो भी पहले दिन इतनी हैवी लग रही थी, और मेरे को पहले दिन उसका डर बैठा था कि ये गिर जाएगी मेरे से, इतनी हैवी है, और मैं गिर ही गया। फिर उसके बाद फिर ये बाइक आई थी, फिर बाइक को लेने के बाद मैं इसे जब घर से निकाल रहा था ना, जैसे पीछे निकालते हैं वहां से, तो फिर तब मेरे से वहां पे गिर गई एक बार खड़े खड़ी, तब भी मेरे को ये हैवी लगती थी, वो मेरा पैर मतलब लग, अरे यार, और जैसे पैर लग नहीं रहा था अच्छे से, तो फिर वही बस डर बैठा रहता था गिर जाएगी ये वो, फिर उस दिन भी गिर गई। बातें करते करते कब पेट्रोल पंप पहुंच के पता नहीं लगा, 500 का। वाईफाई होगा? वाईफाई देखो, वाईफाई हवा तो इसमें ठीक ही थी, हवा भरवाई थी हमने। ओ भाई पेट्रोल की ना इतनी सही खुशबू आती है ना, मन तो करता है पेट्रोल पी जाऊं मैं। अच्छा, और मैंने ना एक वीडियो देखी थी, मतलब पापा ने दिखाई थी मेरे को एक वीडियो, उसमें क्या हुआ था ना, एक बाइक वाला था पेट्रोल भरवा रहा था वो, और जिससे वो पेट्रोल भरते हैं ना, तो फिर पेट्रोल भरने के बाद उन्होंने उसको वापस उसमें लगा दिया, उसके बाद वो जो पाइप से होती है ना वो बाइक पे अटकी रहेगी होगी, फिर वो बाइक के साथ फंस गई। उसने चेक नहीं करा बाइक वाले ने कि पीछे वो फंसा हुआ है, फिर उसने ना बाइक चला दी ऐसी आगे, फिर वो पाइप से साथ में खींची गई, वहाँ पे भाई आग आग लग गई पूरे पेट्रोल पंप पे। जो पीछे बैठा था ना वो तो बाइक से उतरा हुआ था, वो बैठने लगा था बाइक पे, लेकिन वो तभी भाग गया वहाँ से जब आग लगी, वो थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन जो बाइक पे आगे बैठा हुआ था उसके आग लग गई, वो तो ऐसे ही भाई भागा वहाँ पे। तो ना इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। अब मैं भी जो चीज़ ऐसे स्लो स्लो करके सीखता हूँ ना, तो मैं सोचा कि आपको भी साथ साथ बताते रहे ऐसे। वैसे तो भाई आजकल के लोग समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो देख के मेरे को लगा कि बता रहे एक बार आपको भी। इसलिए ना पेट्रोल भरवाने के बाद ना कभी वहीं पे खड़ के बाइक को स्टार्ट मत करो, थोड़ा पहले आगे लेके जाओ बाइक को, उसके बाद स्टार्ट करनी चाहिए। बाकी एक बार चेक कर ले करो कुछ है तो नहीं ना आसपास। चलो भाई आजकल इतना ज्ञान बहुत है। पावर वापस आ गई भाई बाइक में, बेचारी भूखी बैठी थी ना यार कब से, तो फिर भाग ही नहीं दी थी, अब हमारे दोनों ने खाना खा लिया, अभी इसमें पावर आ गई है। अच्छा ये भी ना गियर डाउन करने की ट्रिक होती है, जैसे ये थर्ड गियर पे अभी, ठीक है ये थर्ड गियर पे है ना, तो ना हमें ना आरपीएम को मैच करके ना गियर डाउन करना पड़ता है, ऐसी आवाज आई ना। अब आपने देखा होगा जो लोग ऐसे बाइक रेसिंग करते हैं ना, वो कैसे जब वो रेसिंग कर रहे होते हैं फिर वो कैसे आवाज आती है बाइक की, ऐसे करके आवाज आती है ना, तो ये भी ना एक ट्रिक होती है गियर डाउन करने की, कभी फ्री होके बताऊंगा अच्छे से। चल बिल्लो लग जा तू धनों के साथ, हो गए शुरू काम करने। वो नहीं बड़ी बढ़िया नहीं पड़ी, बढ़िया थोड़ी सी बड़ी होगी, वो डाल देना। चलो भाई मस्त, यहाँ पे नमकीन चावल बन गए, टेस्टी तो है बहुत। ठंड लग रही है, तो पंखा भी नहीं चला तब भी ठंड लग रही है। शाम के अभी 4 बज रहे हैं, और मैं बना था अभी चाय, और अभी ना पता क्या हुआ था, मैं जैसे बाहर से आया था बाइक में पेट्रोल डलवा के, तो ना मेरी स्किन में भी वही सेम चीज हो गई थी जो पापा की स्किन पे हुई थी।